उसी गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। लोगों का मानना था कि वो एक शैतान पेड़ है और वो कई सालों से सोया हुआ है, इसीलिए वहां पर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी और इसीलिए वहां पर कोई आता जाता भी नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकी टेक क्रिएशंस। आज हम बनाएंगे अपनी कार्टून एनिमेशन स्टोरी का सीन नंबर 5। हमने ओपन कर लिया है अपना कार्टून एनिमेटर 4 और प्रॉप में जाकर मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको वर्क एरिया में सेट कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम जाएंगे अपने कस्टम कैरेक्टर्स पर और यहाँ से अपना कैरेक्टर ले लेंगे जो है हमारा ट्री कैरेक्टर, और उसको भी वर्क एरिया में यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर लेंगे। ये कैरेक्टर्स कैसे बनाएं, कार्टून कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये कैरेक्टर मैंने फोटोशॉप में क्रिएट किया हुआ है और इसकी वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, हाउ टू एनिमेट अ ट्री। इसके बाद हम जाएंगे अपने रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर जो कि राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर है। यहाँ इसे सिलेक्ट करने के बाद हम अपना वर्क एरिया चेक करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और अपना वर्क एरिया चेक करेंगे कि ये सही है या आउट ऑफ वर्क एरिया जा रहा है। इसे एडजस्ट करने के बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट पर, टाइमलाइन में प्रोजेक्ट पर जाएंगे, कैमरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम अपने सीन को जूम इन करेंगे, होल सीन को जूम इन करना है। यहाँ पर हमें अपने सीन की मूवमेंट चेक करनी है कि उसका मोशन स्लो है या फास्ट। हमें बहुत स्लो मोशन चाहिए जूम इन करता हुआ हमारा सीन, तो इसीलिए हम चेक करेंगे। अगर ये फास्ट हो रहा है तो हम फिर से कैमरा ऑप्शन पर जाएंगे और उस डॉट को, उसकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे सो दैट कि इसका मोशन जो है स्लो हो जाए। और मैंने उस डॉट को 300 फ्रेम पर सेट कर दिया है और फिर देखेंगे कि इसका मोशन एकदम परफेक्ट हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे स्प्राइट एडिटर पर लेफ्ट साइड में और यहाँ से हम इसके पार्ट्स चेंज करते हैं। हमें इसकी आईज चेंज करनी है, इस तरीके से मैंने ये आईज सेलेक्ट कर ली हैं और माउथ भी मुझे यहाँ से चेंज करना है। जब भी आप अपना कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो ये पार्ट्स भी उसके साथ क्रिएट होते हैं और सेव होते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपना फेस पपेट पर और यहाँ से इसको एक्सप्रेशन देंगे। हमारा पेड़ जो है वो सोता हुआ पेड़ है तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा माउथ मूवमेंट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड में जाएंगे, बैक स्पेस करेंगे और माउथ मूवमेंट दे देंगे। इसके बाद हम जाएंगे राइट हैंड साइड कंटेंट मैनेजर में और यहाँ पर हमें इनबिल्ट SFX दिए हुए हैं, इनमें से सूटेबल SFX हम ले लेंगे। यहाँ पर मैं ये वाला ले रही हूँ और यहाँ पर वर्क एरिया में इसको पुट कर दूंगी। इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं, सिंपली यहाँ मैंने फ्लिप कर दिया। इसको हम अपने अकॉर्डिंग वर्क एरिया में सेट कर लेंगे और ये इनबिल्ट एनिमेशंस होते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन स्टोरी का 5th सीन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे रेंडर कर लेंगे, फिक्स करेंगे फ्रेम्स को। उसके बाद हम जाएंगे वीडियो एडिटर पर और यहाँ हम जाएंगे ऐड फाइल्स पर और अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने कार्टून एनिमेटर 4 में रेंडर की थी, और इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे इसको और हम वीडियो एरिया में यहाँ पुट कर देंगे। ऑडियो डिटैच करेंगे और यहाँ से साउंड इफेक्ट देंगे और अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।